ये आपको बता दें, लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रायपुर में देखा जा रहा है यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। 19 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। रायपुर में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर युवा कांग्रेस का यह प्रदर्शन है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा है। 19 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, किस तरह का नजारा सबसे पहले हम देखना चाहेंगे? बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो जारी है। यहाँ पर जो है तमाम कांग्रेसी जो है वो मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार 19 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन के लिए एक स्कूटी भी रखी गई है, तो इस स्कूटी के माध्यम से जो युवा कांग्रेस के लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं हम जानना चाहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष खोखो पाड़ी से जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये जो प्रदर्शन के लिए स्कूटी रखी हुई है क्या कहना चाहेंगे? ये एक सिंबल है कि केंद्र की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जो देश की जनता के जेब में डाका डालने का काम किया है। कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, उस समय 15 दिन के अंदर देश की से 8 रुपए है, ये कहीं ना कहीं देश की जनता के कमर को तोड़ने वाला है, महंगाई को बढ़ाने वाला है। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने देश की जनता को, देश की जनता के लिए, देश की सरकार बीजेपी की और मोदी जी की सरकार को ये बताने का प्रयास किया कि आपका जो निर्णय है वो न्यायचित नहीं है, इसीलिए देश की जनता के साथ आप न्याय करें। सुप्रिया, एक सवाल इनसे कीजिए, लगातार 19 दिन से जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं और लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, पर अभी तक कुछ भी इस पर डिसीजन नहीं लिया गया और लगातार वृद्धि हुई है, अगर अब भी नहीं रोका गया तो किस तरह का रवैया इनका होगा या किस तरह का एक्शन लेंगे आगे? उसके विरोध में आज एक सांकेतिक और सिम्बॉलिक प्रदर्शन किया है। लगातार 19 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार कांग्रेस जो है वो विरोध करती नजर आ रही है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस के द्वारा क्या प्रदर्शन किया जाएगा? आप समझिए कि 5 जून से 24 जून तक जो पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि की गई है और डे वन से, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है कि आज आपको ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाएं। कच्चे तेल की बात हो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी ना कोई वृद्धि हुई है, ना कोई इस हालात पे पहुंची है कि आप डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने से कहीं ना कहीं सारी चीजों में तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायपुर से युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, केंद्र की मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। उस 19 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको बता दें, और लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, आम जनता इसका विरोध कर रही है, और आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है इसी को लेकर के। सरकार को जनता के हित में निर्णय लेने पे मजबूर किया जाए, ऐसा कार्य करेंगे। आपने अपने मास्क पे भी कुछ लगाया हुआ है, क्या संदेश देना चाहिए, इस मास्क में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो कोरोना संकट है तो मास्क पहनना आवश्यक और जरूरी है, तो हमने इस मास्क में भी प्रिंट करवा के ये प्रदर्शन के लिए बनवाया कि मास्क के जरिए भी हम एक संदेश दें कि मोदी जी कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं वो जो उचित नहीं है। इस प्रदर्शन में इस मास्क को भी शामिल किया गया। आपने देखा जैसे कि इस मास्क में लिखा हुआ है कि महंगाई सरकार हुई फेल, महंगा हुआ तेल, तो इस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी भी जो है वो की जा रही है और साथ ही तमाम लोग है वो तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मास्क भी जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो लिखी गई है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे ये प्रदर्शन है, अगर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता, केंद्र सरकार अगर निर्णय नहीं लेती, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, तो उसमें फिर क्या करेगी कांग्रेस, क्या बड़ा एक्शन लेगी? देखिए, विरोध का स्वर जो है वो लगातार ऊंचा होता जाएगा, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरह, देश के एक मजबूत विपक्ष की तरह लगातार इस पर लड़ाई लड़ती रहेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, इनका कहना है कि यदि केंद्र सरकार जो है वो यदि इसमें कोई निर्णय नहीं लेती, लगातार इसमें जो
प्रदेश की जो कांग्रेस है वो भी जो है 29 जून से 4 जुलाई के बीच में प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्रदर्शन का जो वीडियो है, जो लोगों की परेशानी है उनका वीडियो बनाकर जो है एआईसीसी को भेजा जाता है, इस तरह के जो तमाम आदेश है वो दिए गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार आप नजरें बनाए रखिए। यार रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। और